अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपके मेरे चैनल से वो लोग में। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से फ़िश करी बताने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आए जो कि मैं सिंपल तरीके से आपको बताने वाली हूँ और मज़ेदार सी ये बनने वाली है। तो चलिए मैं इसे बनाना आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। तो सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आप मछली बना रहे हो, फ़िश बना रहे हो, तो अगर आपको ज़्यादा टेस्टी बनानी है तो उसे आप लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। तो ऑयल को होने देना है अच्छे से गरम। तो जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है हमें 1 टेबल स्पून भर के इसमें जीरा ऐड कर लेना है। तो देखिए ये है प्याज का पेस्ट, जो कि मैंने 3 मीडियम साइज के प्याजों का पेस्ट पहले ही बना के तैयार कर लिया था। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे फ़िश 500 ग्राम मैंने ली है, यानी कि 500 ग्राम फ़िश के अनुसार मैं आपको ये सब चीज़ बताने वाली हूँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याजों का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है और फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो पेस्ट को अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 3 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है प्याज के पेस्ट को, ठीक है। और हाँ, चम्मच की हेल्प से हमें इसे हिलाते हुए भूनना है ताकि ये एक साथ में जले ना। तो देखिए इसका कलर हो चुका है हल्का सा चेंज, जैसा हमें चाहिए था। तो इसको भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला मैंने यहाँ पे पहले ही गला दिया था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। तो मसाला मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें लिया है। तो रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ली है खाने वाली, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने ली है और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है। और 1 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। अगर आप मछली बनाने वाले हो तो तकरीबन 1 घंटे पहले इस तरह से मसाले को भिगो देना। उससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से फूल जाएगा और एकदम से हम कढ़ाई में जब डालते हैं तो वो जलता बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम मसाला डालते हैं सूखा मसाला, वो एकदम से जल जाता है, जो कि उससे सब्जी अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए मैंने मसाले को पहले ही गला दिया था ताकि जले ना, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा मसाला बना है। तब मसाले को तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें इस तरीके से भून लेना है। मसाले को हमें इतना भूनना है कि बिल्कुल दानेदार सा मसाला हमारा बन जाए और हाँ, कढ़ाई के भी चिपकने लग जाए। तब तक हमें मसाले को भूनना है। तो हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर लिया है। तो चम्मच को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने इसे रख दिया और मसाला अपना भी भून जाएगा, ऐसा नहीं है। चम्मच को आपको चलाते हुए मसाले को भूनना है ताकि चिपके ना और हर तरफ से मसाला बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो। तो देख सकते हो आप, मसाला दानेदार सा हमारा बन के तैयार हो चुका है और हाँ, बर्तन के भी लगना स्टार्ट हो चुका है। तो हल्का सा मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो हम फिश इसमें डाले वो एकदम से मसाले के चिपके ना और उस वजह से मसाला भी बर्तन के ना चिपके, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ। तब मैं इसमें डाल रही हूँ फिश, जो कि एक एक करके हमें डालना है। और हाँ, ऊपर तली हमें इन्हें नहीं रखना है। क्या है कि फ़िश जल्दी से कुक हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट इसको कुक होने में लगते हैं, इसलिए अलग अलग करके इस तरीके से जैसे मैंने जमाए हैं इस तरीके से हमें सारे बाइट को, सारे पीसों को जमा लेने हैं, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए हमें इसी तरीके से इन्हें रहने देना है, फिर 1 मिनट बाद एक एक पीस को चेंज कर लेना है। और हाँ, चेंज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि गोल स्पून आपका ना हो। देखिए मैंने फ्लैट स्पून लिया है, यानी कि फ्लैट चम्मच लिया है, उसके हेल्प से ही मैं यहाँ पे इन्हें चेंज कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप करते हो तो बिल्कुल ही आसान तरीके से ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हमें इन्हें चेंज करना है ताकि फिश के जो पीस है वो टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुक हो जाते हैं।
तो 1 मिनट के लिए मैं फिर से एक तरफ से इन्हें मसाले के साथ इस तरीके से पकने दूंगी, और ऐसे ही चेंज करते हुए हमें मसाले के साथ इन्हें पकने देना है। तो बहुत ही जल्दी फिश बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना भी टाइम लगता है वो मसाले का होता है, मसाले को तैयार करने का। और हाँ, फिश को कुक होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने पीसों को चेंज करते हुए मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें कर लेंगे करी के अनुसार पानी ऐड। तो जितनी करी आप रखना चाहते हो उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो, कम रखना चाहते हो तो कम पानी ऐड कर सकते हो। देखा ना आपने, फिलेट चम्मच से बिल्कुल भी पीस नहीं टूटते हैं। और अगर आप गोल चम्मच लेते हो तो उससे पीस टूटने के, जो मछली के हमने पीस लिए हैं वो टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पानी मैंने इस पे ऐड कर दिया है। अब हम पानी को अच्छे से हाई फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट बाद मैं यहाँ पे पानी को चेक कर रही हूँ। पानी हमारा थिक होने लगा है, यानी कि पकने लगा है। तो इस स्टेप पे भी यहाँ पे मछली के जो पीस है उनको चेंज कर रही हूँ। तो फ्लेम को कर दिया है मैंने लो। लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है या तरी है वो ऊपर आ जाए। इस स्टेप पे मैंने यहाँ पे डाले हैं धनिया पत्ती की, जो पीछे की डांड होती है वो मैंने इसमें ऐड कर ली है, ताकि जो धनिया पत्ती की डांड है वो भी पक जाए और उसका फ्लेवर फिश में आ जाए, फिश करी में। ठीक है, तो गैस को कर दिया है मैंने ऑफ, क्योंकि फिश करी बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ डिश आउट के लिए एक प्लेट में। और हाँ, फिश बनने के बाद आपको लोहे की कढ़ाई से निकाल लेना है, दूसरे बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में नहीं रहने देना है, नहीं तो जो लोहे का काट होता है वो सब्जी में आ जाएगा और उससे सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसलिए जैसे ही फिश बन के तैयार हो जाए आपको दूसरे बर्तन में उसे निकाल लेना है। तो देखिए, डिश आउट मैंने कर लिया है। तो ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा हल्का सा ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। इससे फिश में और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। तो फिश करी बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जल्दी से कर देना लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को। तो मैं और भी नई नई वीडियो आपके साथ लेके आती रहूँगी। और किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना, और एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।